हेलो गाइस वेलकम बैक टू वन ऑफ आर सेशंस लीड कोड का पिछला कांटेस्ट संडे को मैंने सोचा था सुबह उठूंगा और हम वीडियोस बनाएंगे साथ में कॉन्टेस्ट करेंगे बट प्रॉब्लम ये हुई हम लोग उठे हुए थे मैं और मेरा दोस्त उठे हुए थे पाँच बजे तक तो उठे हुए थे इनफैक्ट छः बजे तक उठे हुए थे और फिर हम सो गए हमको नींद आ गई ठीक है हमने सोचा कॉन्टेस्ट तो होते रहेंगे कोई नहीं अगला दे देंगे तो एनी वेज uh, अब आप लोग को मैं बताता हूँ कॉन्टेस्ट कहाँ आता है लीड कोड का जो लोगों को नहीं पता तो लीडकोट डॉट कॉम सर्च करोगे अकाउंट बना लेना और उसके बाद यहाँ पे तुम्हें कॉन्टेस्ट दिख जाएगा ठीक है तो अगला कॉन्टेस्ट पाँच दिन में होने वाला है संडे को आठ बजे ही होता है सैटरडे को रात को आठ बजे होता है तो और यहाँ पे पास्ट कॉन्टेस्ट आते हैं ठीक है तो वीकली कॉन्टेस्ट 377 हंड्रेड कॉन्टेस्ट का मैं करने बैठा था ना तो मैंने इसे पहले के दो क्वेश्चन ही देखे मुझे दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा ये जो सेकंड क्वेश्चन था मैक्सिमम स्क्वायर एरिया बाय रिमूविंग फ्रॉम अ फील्ड तो ये क्वेश्चन मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छा क्यों लगा मुझे ना जो भी ये डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि ना ये पहले से ही मन में डर बैठ जाता है इनको देख के कि यार ये ना बहुत टफ होंगे सीरियसली कह रहा हूँ ये इतना टफ नहीं होते जब हम बैठते हैं ना करने अगर हमको एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गई सीधा कोड करने मत बैठना कभी भी प्रॉब्लम को समझो लिखो एज केसेस के बारे में सोचो बस काम खत्म हो गया इतना ही था अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हाउ आई केम अप विद सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन ओके सो लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट व्हाट वी विल डू मैं बाकी क्वेश्चन जब वोट्स वोट्सअप के जो वीडियो बनाता हूँ ना मैं पढ़ता नहीं हूँ सीधा तुम लोग को क्वेश्चन समझा देता हूँ अभी एक बार पढ़ते हैं कि ध्यान से ना हर एक डिटेल को नोटिस करेंगे यहां पे सबसे पहले कह रखा है देर इज अर्ज एम माइनस वन इंटू एन माइनस वन रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर एट वन कामा वन एंड एम कॉमा एन बस अभी इस चीज को समझते हैं इन्होंने कह रखा है एम माइनस वन इंटू एन माइनस वन का रेक्टेंगुलर फील्ड है विथ कॉर्नर एट वन कामा वन एंड एम कॉमा एन

ताकि तुम सोच सको और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सीधा कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है तो m इज इक्वल टू फोर और n इज इक्ल टू थ्री का रेक्टेंगुलर फील्ड है और यहाँ पे साफ साफ कह रखा है कि इसमें ना कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फेंसेज हैं जो कि हमें एज एन अरे इनपुट में दिए गए हैं तुम यहाँ पे पैरामीटर्स दे सकते हो m n हॉरिजॉन्टल uh, फेंसेज और वर्टिकल फेंसेज एक वेक्टर में दे रखे हैं एक डायनेमिक अरे दे रखा है जिसके अंदर ये चीजें हैं गॉट इट इतनी चीज क्लियर आएगा इस राइट ओके अब मुझे क्या करना है अब मुझे ये देखना है कि यह हॉरिजॉन्टल फेंस वर्टिकल फेंस है क्या फेंसिंग पता है जैसे हमने कोई जमीन खरीदी मैंने ना वहां पे और जमीनें एक दूसरे के बगल में बहुत सारी जमीनें थी एडजस्टेंटली बहुत लोगों की जमीन थी तो मुझे अपनी वाली अलग दिखानी थी तो मैंने क्या करा उसकी ना बॉर्डरिंग करा दी फेंसिंग करा दी उसके पास और उन उन ईटों का कलर कुछ अलग था तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल समझ लो फेंसिंग का ठीक है तो अब यहाँ पे क्या कह रखा है हॉरिजॉन्टल फेंसेस आर फ्रॉम सम कोऑर्डिनेट्स टू दिस एंड वर्टिकल फेंसेस आर फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स दिस टू दिस ठीक है अब उसके बाद कह रखा है रिटर्न द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दैट कैन बी फॉर्म बाय रिमूविंग सम फेंसेस मतलब हमें uh, क्या करना है अगर मैं कोई फेंस uh, हमारे पास फेंसेस हैं और हमने बॉर्डरिंग करा रखी है ठीक है उस वो जो आउटर फेंसिंग uh, है ना आउटर फेंसिंग के अंदर भी कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फेंसेस है उसमें से मैक्सिमम स्क्वायर एरिया बताओ उसमें से मैक्सिमम स्क्वायर एरिया बताओ मुझे अगर हम कुछ फेंसेस उसमें से रिमूव कर दें तो और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई स्क्वायर वाली एरिया बनी नहीं थी तो माइनस वन रिटर्न कर देना ये क्वेश्चन है हमारा और फिर उसके बाद कह रखा आंसर लार्ज हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो जो भी हमारा आंसर है उसको टेन की बार नाइन प्लस से, से मॉड्यलो कर देना ये तो बहुत आसान है कर लेंगे हम कोई इश्यू नहीं है उसके बाद नोट कह रखा है द फील्ड इज सराउंडेड बाई टू हॉरिजोंटल फेंसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स वन कॉमा वन टू वन कॉमा एन चलो डायग्राम बनाते हैं एक हॉरिजॉन्टल इनिशियली सारे सारे केसेस में हमारे पास ये दो फेंसेज होने वाली हैं कौन कौन सी वन कामा वन से वन कामा एन एक हॉरिजॉन्टल फेंस होगी तो मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आ, एक ना ये जैसे वन कामा वन पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे ठीक है ये मेरा वन कामा वन पॉइंट है और ये मेरा वन कामा थ्री पॉइंट है ये एक मेरी फेंस इनिशियली होने वाली है पहले टेस्ट केस में लाइंस में देखना देखो सीधी नहीं मैं टूल यूज कर सकता हूँ खाली टाइम वेस्ट होगा ये लाइन टूल दिख रहा है मैं यूज नहीं करना चाहता या कर लूँ चलो कर लेते हैं कर ही लेते हैं कितना ही टाइम लग जाएगा ठीक है एक बना ही देते हैं इसको यूज़ करके ठीक है तो मेरे को ये दिख रहा है वन कामा वन से वन कामा थ्री तक अच्छा लग रहा है तो वन कामा वन से वन कामा थ्री तक एक हॉरिजॉन्टल फेंस होने वाली है ठीक है फिर उसके बाद इन्होंने क्या रखा है एक फेंस होगी एम कामा वन से एम कामा एम तक एम क्या है मेरा फोर है तो फोर मेरा ऑब्वियसली यही होगा तो फोर कामा वन से फोर कामा थ्री तक मेरी एक और फेंस होने वाली ये लिखे ना फोर कॉमा वन से फोर कॉमा थ्री एम कॉमा एन तो मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूं अब इसको मुझे वापस कैसे जाना है इसको बंद करूंगा तो जाएगा फोर कॉमा वन से फोर कॉमा थ्री तक दो हॉरिजॉन्टल फेंसेज हो गई अब ऑब्वियसली तुम समझदार हो तुम्हें पता ही है इसके बाद क्या लिखा होगा तो टू वर्टिकल फेंसेज फ्रॉम वन कामा वन तो टू एम कॉमा वन तो फिर से लाइन टू यूज करेंगे वन कामा वन से यहाँ पे और एक वर्टिकल फेंस यहाँ पे ठीक है यही लिखा है ना वन वन से एम कॉमा वन एम क्या हमारा फोर तो वन वन से फोर कॉमा वन और वन कॉमा एन से वन थ्री से एम कॉमा एन आई गेस इतनी चीज क्लियर है हर बार हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है इरेजर से मैं ये एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको हटा देता हूँ ठीक है परफेक्ट और ये हुआ परफेक्शन अरे यार रुक जाओ इसको हल्का सा ऐसे कर देते हैं अरे ठीक है यार ठीक है इतना ठीक है तो अब अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि हमारे पास ना कुछ हॉरिजॉन्टल फेंसेज हैं और वर्टिकल फेंसिस भी है जो कि हमको इनपुट में दे रखे हैं तो हॉरिजॉन्टल फेंसेज का एक अरे है हमारे पास यहां पे मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल फेंसेज का एक अरे दे रखा है मुझे टू कॉमा थ्री और एक वर्टिकल फेंसेस का भी मुझे अरे दे रखा है जो कि हमारे इस क्वेश्चन वाले टेस्ट केस में है टू ठीक है अब यहां पे तुम इसी के अगेंस्ट तुम यहाँ पे इसके इसकी इंस्ट्रक्शन हमें इस वाले पोर्शन में दे रखी है कि हॉरिजॉन्टल फेंसेज ना जो भी करंट हॉरिजॉन्टल फेंस पे हो मतलब एक आर दे रखा है जो भी करंट फेंस पे हो तुम कॉमा वन टू कॉमा एन मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊ देखो ये फोर्थ तक है तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ये मेरा थर्ड पॉइंट हो जाएगा ये मेरा फोर्थ पॉइंट हो गया ठीक है और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है और सिमिलरली ये मेरा सेकेंड है और ये मेरा थर्ड है ठीक है ऐसे हम पूछ बना लेते हैं अब मुझे दिख रहा है हॉरिजोंटल फेंस है टू पे तो टू कॉमा वन ऑब्वियसली मेरा टू कॉमा वन वाला पॉइंट है राइट right? तो टू कॉमा वन से लेके मैं जाऊंगा कहां तक कहां तक कहामा थ्री तक जाऊंगा यहां तक ठीक है तो एक फेंस मेरी ऐसे होने वाली है मैं लाइन टूल का यूज करना भूल गया तो मैं फिर से यूज करूंगा लाइन टूल को और स्ट्रेट बनाएंगे बिल्कुल ठीक है फिर उसके बाद थ्री भी है तो एक फेंस मेरी ऐसे भी आएगी ओके okay? तो ये कौन सा पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया मेरा थ्री कॉमा वन से लेके थ्री कॉमा थ्री तक आई गेस यही कर रहे हैं हम यहाँ पे ये लिखा है ना हॉरिजॉन्टल फेंस कॉमा वन टू हॉरिजॉन्टल फेंस कॉमा एन ठीक है अब सिमिलरली वर्टिकल फेंस भी ऊपर से नीचे आएंगी वन कॉमा वर्टिकल फेंस टू आई टू टू एम कॉमा वर्टिकुलर फेंस टू आई ठीक है तो वर्टिकल से यहाँ पे क्या करेंगे हम टू uh, वाले पॉइंट से लेके नीचे लेंगे इस पॉइंट तक ठीक है क्लियर है इतनी बात तो ये कौन सा पॉइंट है ये वन कॉमा पॉइंट था ये टू कॉमा वन तो ये कौन सा पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा वन कॉमा टू ठीक है वन कॉमा टू से कहाँ गए हम वन कॉमा टू से हम गए फोर कॉमा टू पर ठीक है क्लियर इतनी चीज नाइस nice, क्लियर है वर्टिकल फेंस हॉरिजॉन्टल फेंस ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट समझने हैं ठीक है इंस्ट्रक्शन को देख देख के ही लिखा मेरे को कोई याद नहीं हो गया है ना तो अब मुझे ना इसमें से इस पूरे डायग्राम में से मैक्सिमम स्क्वायर एरिया निकालना है मैक्सिमम स्क्वायर एरिया अब तो मैक्सिमम स्क्वायर एरिया कैसे निकालोगे पहली बात स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ब्रेक कर पा रहे हैं हम हमने समझ लिया ठीक है कुछ कोऑर्डिनेट से रखे हैं इनिशियली मुझे एम बाई एन का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रखा है और उसमें वही रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करके मैं बाहर की आ, फेंसिंग कर दूंगा फिर अंदर की हॉरिजॉन्टल फेंसिंग और वर्टिकल फेंसिंग भी दे रखिये वो भी कर ली हमने हर टेस्ट केस में यही चीज करोगे हर टेस्ट में यही चीज करोगे ना ठीक है अब मुझे क्या निकालना है मैक्सिमम स्क्वायर निकालना है तुम ध्यान से देखो क्या ये एक स्क्वायर बन रहा है हाईलाइटर ये हाईलाइटर था नहीं यार यहाँ पे ना एक हाई था ये अपने आप मिट जाता है थोड़ी देर बाद यही था शायद अच्छा मिट तो दोनों जा रहे हैं ये यूज कर लेते हैं ठीक है तो तुमको ये एक स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि देखो इस साइड भी वन है इस साइड भी वन है इसका डिफरेंस भी वन है इसका भी डिफरेंस वन है हाँ यार स्क्वायर 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 है है ही तो है, है ना ये भी एक स्क्वायर है 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 हाँ यार स्क्वायर ही तो है स्क्वायर ही तो है कैसे पता चला माइनस करके पता चला डिफरेंस निकाला होगा ना आ, मुझे ये दिख रहा है अगर मैं वन माइनस टू करूँ और वन माइनस टू करूँ तो हाँ यार स्क्वायर ही है ये हटा क्यों नहीं रुक जाओ इसको क्रॉस कर देते हैं ठीक है ऑब्वियसली स्क्वायर है ना <laughs> अब एक बड़ा स्क्वायर दिखाऊं तुम लोग रुको ध्यान से देखो अगर मैं वन से लेके थ्री तक और यहां से लेके यहां तक ये यह पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं देखूं, तो ये भी तो है इन दोनों का फोर मतलब मतलब, uh, right? तो तो हो गया और कोई स्क्वायर दिख रहा है अगर मैं वन से फोर तक से का लू डिफरेंस वन से फोर का थ्री आएगा लेकिन वन से थ्री का डिफरेंस टू ही आएगा क्योंकि ऊपर थ्री की यहाँ से वन से थ्री जा रहा है और यहाँ पे वन से फोर जा रहा है तो ये रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर नहीं हुआ तो मुझे मैक्सिमम स्क्वायर जो दिख रहा है बनता हुआ वो टू ही दिख रहा है टू so साइड तो फोर इसका आंसर है हाँ जी फोर इसका आंसर है क्लियर है मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार मैं तो सिर्फ डिफरेंसेस ही तो निकाल रहा हूं मैं डिफरेंसेस ही तो निकाल रहा हूं और क्या करा मैंने यहां पे डिफरेंसेस ही निकाले राइट right? समझ में आ रही है बात और कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में मैंने अब आते हैं कि मेरे को दिक्कत क्या हुई इस क्वेश्चन में तुम सबने सही सोचा है हमने डिफरेंस ही निकाले हैं लेकिन <laughs> जब मैंने पहली बार क्वेश्चन करा ना तो मैंने एक गलती कर दी थी क्या गलती कर दी मैंने ना इन दोनों के रेफरेंस में मैंने कंजेगेटिव डिफरेंसेस निकाले वन का डिफरेंस टू के साथ निकाल दिया मतलब समझ रहे हो कैसे समझाऊँ एक एग्जाम्पल और देता हूँ इतनी बात क्लियर हो गई इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम हम बस डिफरेंसेस uh, निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंसेस निकालने वाला कॉमन डिफरेंसेस क्यों निकालने हैं यार अगर तुम ध्यान से देखो अगर यहाँ पे लेट से इरेजर uh, लेता हूँ रुको इरेजर ले लेते हैं फटाफट से इस सब चीज ये एक्जाम्पल तो clear हो ये क्लियर हो गया ना फर्स्ट वाला कैसे आया आंसर आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी वरना थोड़ा सा वीडियो दोबारा से पीछे का रिवाइंड करोगे ना तो समझ में आ जाएगा ठीक है इतना कोई इश्यू uh, नहीं था अगर मैं ना इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ठीक है इस चीज को ना बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा इसको ले लेते हैं आ, ओके इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझेंगे ठीक है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं थोड़ा इसे टेस्ट केसेस इसको लेट से ये यहाँ पे नाइन है ठीक है नाइन यहाँ पे एक सेवन है ठीक है वर्टिकल एजेस बढ़ा रहा हूँ वर्टिकल फेंसिंग सॉरी सिक्स ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा अब तुम देखो ध्यान से अब हम इसको यहाँ से भी बड़ा कर देते हैं ठीक है वर्टिकली भी बना देते हैं पूरा इसको भी कर देते हैं और इनको भी बड़ा कर देते हैं ठीक है अब मेरा आंसर चेंज होगा कुछ सोचो मैंने क्या कहा था डिफरेंस निकालना है डिफरेंस कैसे निकालेंगे देखो वन का डिफरेंस टू से कितना है वन है वन का डिफरेंस थ्री से कितना है टू है वन का डिफरेंस सिक्स से कितना है फाइव है वन का डिफरेंस सेवन से कितना है Six है वन का डिफरेंस नाइन से कितना है कितना है एट है मैं सिर्फ वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंस निकाल रहा था सिमिलरली मैं यहां पे भी यही सेम चीज कर रहा था लेकिन लेकिन गाइस ऐसा नहीं है हमें क्या करना है हमें ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी तो निकालना है अब मैं टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस निकालूंगा क्योंकि क्योंकि अगर वन के डिफरेंस वन के रिस्पेक्ट में तुम निकालोगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर स्टिल फोर ही आएगा लेकिन तुम ध्यान से देखो वन से फोर का डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है कितना है वन से फोर का डिफरेंस है थ्री वन से फोर का डिफरेंस कितना है यहाँ पे थ्री है वन से टू का वन है आ, और ये टू से फोर का टू मतलब सारे डिफरेंसेस अगर तुम निकालोगे तो मैक्सिमम डिफरेंस तुझे तुम्हें तुम लोग को इस केस में दिख रहा होगा ना थ्री राइट तो अब ध्यान से सोचना ध्यान से देखना है यहाँ पे ठीक है अगर इस वाले केस में तुम देखो अभी मेरे पास कौन कौन से डिफरेंस है वन है टू है फाइव है सिक्स है एट है ठीक है और इस केस में मैक्सिमम डिफरेंस थ्री दिख रहा है तुम्हें तो और पिछले वाले में हमने देखा था टू है तो ये जो टू है ना वन और थ्री का हमने जो जो पहला एग्जाम्पल देखा था वन कॉमा टू का एग्जाम्पल होगा थ्री का एग्जाम्पल डिफरेंस होगा टू वन कॉमा फोर का होगा डिफरेंस थ्री तो अभी मेरे को करेंट सिचुएशन के हिसाब से दिख रहा है टू और टू यहाँ पे मैचिंग है तो आंसर मेरा फोर आ जाएगा मैंने सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट करे लेकिन 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 हमने सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट करे ही नहीं मैंने तो सिर्फ वन के रिस्पेक्ट में सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट करे ना अब अगर मैं टू अपना पॉइंट कंसीडर करूं टू से थ्री का डिफरेंस होगा दूसरी इंक कर लेता हूं टू और थ्री के बीच में डिफरेंस होगा वन टू और सिक्स के बीच में डिफरेंस होगा फोर ठीक है टू और सेवन के बीच का डिफरेंस होगा फाइव हाँ टू और नाइन के बीच का डिफरेंस होगा सेवन राइट थ्री के रिस्पेक्ट में लूंगा ना तो अलग आएगा अब थ्री पॉइंट से लेते हैं थ्री और सिक्स के बीच का डिफरेंस है थ्री थ्री और सिक्स के बीच का डिफरेंस है थ्री अब तुम देख रहे हो यहाँ पे मेरा एक डिफरेंस थ्री कैलकुलेट हो चुका है और यहाँ पे जो वर्टिकल वाला डिफरेंस था ना थ्री मतलब मतलब क्या मतलब ये भी मेरा एक स्क्वायर है मैंने थोड़ा डायग्राम डायमेंशनली तुम्हें अलग लग रहा है लेकिन तुम ध्यान से देखो ये भी लेंथ थ्री है

तो हम क्या करेंगे आ, तुम एक ऐसा समझ सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मुझे ना फेंसिंग दे रखी है मैक्सिमम एरिया निकालनी है तो मैं क्या करूंगा ऊपर जितनी भी फेंसिंग है वर्टिकल फेंसिंग जितनी भी है सबका डिफरेंस निकालूंगा और हॉरिजॉन्टल का भी निक, निकाल लूंगा ठीक है उन दोनों में से जो मैक्सिमम कॉमन साइड होगी उसको मल्टीप्लाई करके आंसर कर दूंगा आई होप यार मैं तुम लोग को कन्वे कर पाऊंगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ एक बार तुम लोग खुद से करोगे क्योंकि ये जो एज केस था ना ये जो मैंने तुम्हें समझाया कि पहले जो मेरे को पहले जो सबसे पहले ब्रूट फोर्स जो तुम लोग को समझ में आएगा वो जो मैंने स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल समझाया वही आया होगा ठीक है आई गेस ये समझ में आ गया होगा ये चीज हमें क्या करना है सारे पॉसिबल डिफरेंसेस निकालने सारे पॉसिबल डिफरेंसेस सिर्फ वन के रिस्पेक्ट में नहीं निकालने या फिर एन इसके रिस्पेक्ट में नहीं निकालने ठीक है कोड करें कोड करेंगे शायद से और क्लियर हो जाएगा अगर कुछ भी डाउट हुआ या कुछ भी तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ में ये चीज़ समझा नहीं पाया मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना और इस चीज़ को हम और क्लियर कर देंगे ठीक है तो चले फिर कोड करेंगे अब तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है एक मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास इंट मैक्सिमम स्क्वायर एरिया है एम और एन हमको इनपुट में दे रखा है एंड तो सिंपली मैं क्या करूंगा अब इसको कोड करता हूँ ठीक है तो सबसे पहले लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू जीरो एक आंसर वेरिएबल बना लिया हमने और हमेशा की तरह तुम देखो हमारे पास मॉड होने वाला है एक क्योंकि हमको यहाँ पे वन ई नाइन प्लस सेवन कहीं पे दे रखा था कि मॉट भी करना है टेन की पार नाइन प्लस सेवन तो टेन की पार नाइन प्लस सेवन अगर तुम्हें लिखना है तो वन ई नाइन प्लस सेवन ऐसे लिखोगे ठीक है तो अब मैंने क्या कहा था तुमको कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फेंस है एक वर्टिकल फेंस है राइट तो मुझे अब क्या करना है मुझे डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं डिफरेंसेस कैसे कैलकुलेट करूं और तुमे, तुमे, तुम ध्यान से देखो वन कॉमा वन और वन कॉमा एन तक एक फेंस ऑलरेडी है जो कि इन लोगों ने ये फेंस इस अरे में नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे वन एन और वन एम दोनों ही अरेज में हम पुश कर देंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंस और वर्टिकल फेंस में सिर्फ बीच वाले फेंसिस है इनिशियली जो होने वाले वो नहीं है लेकिन हम कंसिडर उनको भी कर रहे हैं इसलिए तो एच फेंसिस डॉट पुशबैक मेथड के यूज uh, करूंगा और इसमें वन डाल दूंगा सिमिलरली एच फेंसिस अगेन आई यूज इट एंड आई यूज दुश बैक मेथड टू पुश वन मोर वैल्यू दैट विल बी एम इन दिस केस ठीक है वर्टिकल फेंसेस में भी ऐसी सिमिलरली तुमको करना है वन पुश <laughs> और हमें पुश करना है क्या हमें पुश करना है एन ठीक है अब तुम्हें मैंने क्या कहा था मुझे निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन डिफरेंस अब एक बात बताओ मैं ऑब्वियसली क्या कर सकता हूँ सारे डिफरेंसेस एक एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर में डाल सकता हूँ कोई वेक्टर बना सकता हूँ या फिर कोई डेटा कंटेनर ले लें जो हमारी नीड्स को सेटिसफाई कर दे क्योंकि हम क्या करने वाले हैं कॉमन इंटरसेक्शन निकालेंगे कॉमन इंटरसेक्शन निकालेंगे ना इंटरसेक्शन क्या होता है कॉमन uh, वैली uh, दोनों सेट्स की तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोनों के डिफरेंस लगा के उसमें निकाल सकता हूँ या फिर कॉमन एस टी एल फंक्शन यूज कर सकता हूँ ताकि मुझे इतना लंबा प्रोसीजर ना करना पड़े राइट right. क्योंकि तुम दो डेटा स्ट्रक्चर लोग दो डेटा कंटेनर्स लोगे जिसमें हॉरिजॉन्टल फेंस के सारे डिफरेंस निकालोगे फिर वर्टिकल फेंस के डिफरेंस लगाओगे उसमें स्टोर करोगे फिर एक और लूप चलाओगे और दोनों के कॉमन वैल्यूज कॉमन मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा बढ़ा देगा इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ एक अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड सेट ले लूंगा ठीक है इंटेजर टाइप का और इस सेट में मैं क्या करूंगा Uh, सिर्फ हॉरिजोंटल फेंस वाली डिफरेंस वाली वैल्यूज इस सेट के अंदर डाल दूँगा नॉर्डर सेट क्या करेगा कि मेरे को ना मेरे को एक तो इसमें रिडंडेंट वैल्यूज़ नहीं होंगी इसकी प्रॉपर्टी होती है ना वो कि इसमें सिर्फ यूनिक चीज़ें रहती हैं और फिर जब मैं वर्टिकल फेंस का डिफरेंस uh, निकाल लूंगा तो मैं डायरेक्टली अपने इस वाले कंटेनर uh, से कंपेयर कर लूंगा कि क्या ये वैल्यू इसमें है और उसी वक्त मैक्स फंक्शन के यूज़ करके मैं उसी वक्त डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूंगा तो मुझे uh, अगर मैं दो दो कंटेनर लेता और एक एक्स्ट्रा पॉलुक लगाता और यहाँ पे मेरा एक ही बार में काम हो रहा है ठीक है तो इसलिए ये अप्रोच में यूज करने वाला हूं ठीक है तो सिंपली फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एच फेंसेस डॉट साइज आई प्लस ठीक है एंड मैं ना इसको ना छोटा कर देता हूँ क्योंकि हम अब इस पार्ट को देख ही नहीं रहे ठीक है अब एक और फॉर लूप लगेगा क्यों मुझे सारे पॉसिबल डिफरेंसेस निकालने राइट right? तो यहां पे मैं लिख दूंगा जे लेस देन एच फेंसिस और सिंपली मैं अपने सेट में ए का यूज करूंगा क्योंकि वैल्यू सॉर्टेड नहीं है तो नेगेटिव आंसर आ सकता है लेकिन हमें डिफरेंस जो है हमें पॉजिटिव चाहिए राइट तो एच फेंसिस आई माइनस एच फेंसिस जे ठीक है हमने सारे पॉसिबल हॉरिजोंटल डिफरेंसेस हॉरिजोंटल फेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे डिफरेंसेस निकाल लिया और अपने सेट में स्टोर कर दिए सिमिलरली अब मैं एक और लूप चलाऊंगा फॉर एंट आई इज इक्ल टू जीरो आई लेस देन अब मैं वर्टिकल फेंसेज के लिए लूप चलाऊंगा ठीक है वर्टिकल फेंसेस के लिए लूप चलाते हैं साइज आई प्लस प्लस और फॉर एंट जे इज इक्ल टू जीरो जे वर्टिकल फेंसेस

जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है ना उससे कंपेयर करके देख लूंगा मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन वैल्यू तो निकालनी है हमें मैक्सिमम कॉमन साइड जो कि बन रही है एक हमें स्क्वायर एरिया निकाल के देना है ना तो यही करेंगे हम ठीक है हॉरिजॉन्टल डिफरेंस डाल दिए वर्टिकल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या ये मैक्सिमम कॉमन वैल्यू है हाँ तो दे दो काम कहा खत्म तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे क्योंकि जब इंडेक्सेस सेम हो रहे हैं जब इंडेक्स सेम हो रहे हैं क्योंकि एक ही एरिया के ऊपर तुम ट्रैवर्स कर रहे हो इंडेक्स सेम हो रहे हो मतलब डिफरेंस जीरो आएगा तो उस केस में तो कंपेयर करने का को कोई सेंस नहीं है ना तभी ठीक है और एक एंड वैल्यू लगा दूंगा कि इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए ठीक है ना सीधी बात और अपने सेट में मैं फाइंड करूंगा और देखूंगा कि क्या ये वैल्यू है इसके अंदर वरना तुम्हें पता ही है फाइंड मेथड में अगर वैल्यू हमको नहीं मिलती तो वो हमें एंड प्लस वन वाली वैल्यू दे, दे देता है तो मैं यहाँ पे सिंपली ये चेक कर रहा हूँ कि क्या हमारे एंड आईट्रेक्टर के बराबर तो नहीं है ना ये मतलब हमें क्या वैल्यू मिल रही है तो इसके अंदर तुम कौन सी वैल्यू ढूंढना चाहते हो तुम वर्टिकल फेंसेस आए माइनस वर्टिकल फेंसेस जे दैट इज योर करेंट डिफरेंस ठीक है इस क्या ये वैल्यू क्या मेरे वर्टिकल फेंस का जो डिफरेंस मैंने अभी निकाला है जो दो तो, uh, वर्टिकल uh, फेंसेज है मेरी उनके बीच का डिफरेंस क्या मेरे उस सेट में पड़ी है जहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल फेंसेज ऑलरेडी डाले हुए हैं अगर पड़ी हुई है ना तो जो मेरा आंसर है जो करेंट आंसर है अब मैं क्या करूंगा अपने करेंट आंसर को इस डिफरेंस से कंपेयर करूंगा ठीक है तो अब इसको कंपेयर करेंगे हम तो मैं सिंपली क्या करूँगा ना यहाँ पे इसको उठा देते हैं और इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे ना हमको कुछ दिख रहा है आ, ये कह रहा है डिड्यूस्ड टाइप्स फॉर पैरामीटर लॉन्ग लॉन्ग वर्सेस एंड तो इसको टाइप कास्ट कर दे एक एरर आ रहा है ठीक है मैक्स uh, uh, यहाँ पे वैल्यू uh, क्योंकि आंसर शायद हमने लॉन्ग लॉन्ग लिया हुआ है ना तो इसको एक काम करते हैं टाइप कास्ट कर देते हैं तो फिर uh, ये जो रेड क्विकल आ रहा है वो नहीं आएगा ठीक है देखो अब नहीं आ रहा ठीक है ना अब नहीं आ रहा है और यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सेमी कॉलर नहीं लगाया ठीक है तो दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू शुड डिबग योर कोड ओके तो आई गेस दैट विल बी इट बस ये आंसर के पास हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम साइड आई है आंसर नहीं आया मैक्सिमम साइड आई है एरिया का स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर ठीक है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली रिटर्न करूंगा अगर हमारा आंसर जो है ग्रेटर देन जीरो है मतलब आंसर की जो ऑब्वियसली uh, क्योंकि आंसर जो था इनिशियली जीरो था यहाँ पे ठीक है तो अगर जो मेरा आंसर है अगर हमको कोई साइड मिली तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन जीरो होगी अगर ऐसा केस है तो मैं क्या करूंगा आंसर इन टू आंसर और ना मैं क्या करूंगा मॉड कर दूंगा परसेंटेज मॉड ठीक है अदरवाइज माइनस वन वॉट वी आर यूजिंग इज अ टर्नरी ऑपरेटर ओवर हियर ओके दैट इज ऑपरेटर तो इफ एल्स बहुत मतलब uh, ये छोटी एक लाइन में आ चुका है इफ एल्स अगर ये तुम लोग को चीज समझ नहीं आ रही तो मैं तुमको इसको एफ एल्स में भी लिख के दिखा देता हूँ इफ आंसर इज ग्रेटर देन जीरो तो मैं सीधा सीधा ये लिखना चाहता हूँ कि हमारी जो आंसर की वैल्यू होगी ना वो ये होगी ठीक है वरना जो मेरे आंसर की वैल्यू होगी वो माइनस वन होगी तो तुम इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात एक ही है ठीक है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड आई गेस दैट इज़ इट अब हम चला के देख लेते हैं एक बार इसको कि क्या ये हाँ, चल भी रहा है और देख सकते हो केस वन केस टू चल रहे हैं एक बार सबमिट करके चेक करते हैं तो ये सक्सेसफुली चल रहा है और तुम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो हंड्रेड परसेंट आ रही है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वो स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ हमेशा रहेगा ही रहेगा अगर इसको हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इम्प्रूव करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी ठीक है एनी हमने बहुत अच्छा सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम के हिसाब से जब हम पहली बार इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन बनेगा ठीक है हमने क्या करा हमारे जितने भी फेंसेस थे और मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट फेंस विच इज इनिशियली प्रेजेंट इन द क्वेश्चन वगैरह और इन द प्रॉब्स डेट मैं माई सेल्फ डि नॉट डू दैट आई डि नॉट इंक्लूड इट इन दबली मैंने इसको नहीं करा था इंक्लूड ठीक है स्टार्टिंग में आई डिन नॉट इंक्लूड इट सो एनी वेज आई गेस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये जो डायग्राम वाले होते हैं ना क्योंकि मेरे मैम जब मैंने स्टार्ट करे थे ऐसे क्वेश्चन करना मुझे हमेशा से डर लगता था मतलब ये क्वेश्चन मेरे को अजीब लगते हैं यार ये एक हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन है वो हार्ड क्वेश्चन है मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया एक वो क्वेश्चन है ट्रैपिंग रेन वाटर बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो बिल्डिंग्स वो बार्स बने हुए देते थे उसके अंदर वो पानी भरा होता है उसमें से वो निकालना पड़ता है तो हर कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बहुत सारे तो अगर आप लोगों को, को और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है इस कॉन्टेस्ट से तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में हम वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे और अगर ये समझ में नहीं आया तो भी मुझे बताना समझ में आ गया तो भी बताना ठीक है कुछ नहीं कर रहे हैं बस डिफरेंसेस अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है सिर्फ वन के कंटेक्स में मत करना सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट करना और मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस जो होगा वही तुम्हारा उसको मल्टीप्लाई तुम उसी नंबर से करोगे तो आंसर आ जाएगा ठीक है सो थैंक यू गाइस सी यू इन द नेक्स्ट कॉन्टेस्ट या फिर जो भी तुम क्वेश्चन कहोगे उसका बनाते हैं uh, और और एक और बात जो हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज स्टार्ट हुई हुई है और जावास्क्रिप्ट की आई नो वीडियोज फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा काम मैं फसा हुआ हूँ मैं uh, तो आएंगे अब रेगुलरली ट्राई करूँगा डालने का और डी एस ए भी उसी में आएगा सी प्लस प्लस वाली में हल्के हल्के मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियोज बनाना सो मोस्ट प्रॉबली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम या तो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे देखेंगे मैं एक बार देखूंगा कहाँ तक कवर हो चुका है आई लास्ट टाइम जब हमने छोड़ा था उसको पॉइंटर्स के बाद छोड़ा था और हमने पॉइंटर्स के क्वेश्चन नहीं डिस्कस करे थे तो वो भी करने ठीक है सो थैंक यू आइज़ दैट विल बी ऑल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय